मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया है तो उसका रेंज आप कैसे निकालोगे। ठीक है, सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। और ये प्रश्न लगातार जो है IIT, एयरफोर्स, NDA, नेवी और अदर जो है एग्जामिनेशन है उनमें लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। ऐसे लिखा fx बराबर 5 साइन x माइनस 12 cos x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आपको रेंज बताना है। तो अगर देखिए, अगर इस टाइप का कभी क्वेश्चन आपके सामने दिया हो तो अर्थात ये किस टाइप का बन जाएगा क्वेश्चन आपका, fx बराबर a साइन x प्लस b cos x, ये इसी टाइप का बन गया, नहीं बन गया। अगर इस टाइप का बन जाए तो रेंज अगर निकालना हो आपको तो आप कुछ नहीं करोगे, आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, बस बड़ा ब्रेकेट बनाइएगा और यहां माइनस लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक, कॉमा लगा दीजिएगा और यही चीज यहां फिर से दोबारा लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गया, नहीं आ गया। अब यहां पर देखिए ए की जगह पर कितना है, पहले यहां पर देखिए 5 है तो यहां पर क्या लिखोगे आप, लिखोगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 है, माइनस 12 है ना, तो माइनस 12 का स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया, नहीं हो गया, माइनस 12 है बेटा यहां पर स्क्वायर में। अब यहां पर देखिए यही चीज यहां भी लिखोगे, प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, अब बड़ा ब्रेकेट रहेगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ब्रेकेट, अब यहां पर माइनस है, अब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 169/24 दोनों को ऐड करेंगे, 125 में 144 ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। और यहां पर देखिए कामा है, प्लस नहीं है, ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा देखिए, ध्यान दीजिए वही चीज तो यहां पर भी आएगा कि नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए ये किसका है, ये माइनस आपका 13 का है, ये आपका 13 का हो गया, आपका आंसर आ गया, रेंज आपका निकल आया, था ना एकदम जबरदस्त। मतलब इस प्रकार से आप जो है बहुत आसान से लगा लोगे। ठीक, अब इसी क्रम को पढ़ाते हुए देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए ए की जगह पर क्या लिखा है, -4 और बी की जगह क्या लिखा है, -3 लिखा है, नहीं लिखा है। अब इसका रेंज आपको बताना है, यहां पर -7 है तो चलिए इससे भी मतलब नहीं, बाद में बताएंगे आपको इसको क्या करना है। ठीक है, तो यहां पर जैसे आपको रेंज बताना है तो आप लिखोगे रेंज और यहां पर बड़ा ब्रेकर लिखोगे, ठीक, माइनस अंडर रूट में 4 4 जा, देखिए 4 4 जा 16 करोगे तो प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, कामा यही चीज यहां भी आ जाएगा, 16 प्लस 9, ठीक। अब यहां कितना आ जाएगा देखिए, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं भाई, 16 में 9 ऐड करेंगे 25 25 का रूट आपका 5 आएगा और यहां भी 5 आ गया। बोलो क्लियर है, नहीं क्लियर है, दोनों ही चीज है ना, लेकिन यहां पर देखिए क्या, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपका रेंज क्या बनेगा, -5 से भी 7 सब्ट्रैक्ट करोगे और इस 5 से भी 7 सब्ट्रैक्ट करोगे। बोलो समझ में आ गया, नहीं आ गया। अब ये क्या बन जाएगा आपका, 7 और 5 कितना आएगा, -12 और यहां पर कितना आ जाएगा बताओ, इसमें सब्ट्रैक्ट करो, -2, आपका ये आंसर हो गया, था ना एकदम जबरदस्त। और अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन ये लिया, ठीक है, इसका भी आपको क्या बताना है, रेंज बताना है। तो यहां भी देखिए ए की जगह पे आपका क्या है 5 और बी की जगह पे आपका क्या है 12 है, तो इसका भी रेंज क्या निकलेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, रेंज बड़े ब्रेकेट में आप क्या करोगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो माइनस अंडर रूट में क्या आएगा 25 पर 25, इसका स्क्वायर करके यहां लिखेंगे तो क्या आएगा 144 और यहां भी वही चीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25 कमा 144। बेटा आपका कितना आ गया बताइए, ये आ जाएगा 13 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये भी 13 आ जाएगा। अब की बार इसमें देखिए, अब की बार सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसमें ऐड हुआ है 3 तो -13 में 3 ऐड करोगे और इधर ये तो 13 है इसमें भी आप 3 ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा क्या 16। इस हिसाब से आपका ये रेंज निकल जाएगा -10 कामा 16। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब बच्चों आपको एक बात और है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा, आपके समझ में अच्छे से आया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। आपसे केवल इतना ही हमारा जो है कामना है, धन्यवाद।